बचपन से लेके आज तक मैं तेरी हर गलती तेरी ना समझी समझकर माफ करती रही हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन माँ मैंने कुछ ये सब मैंने बहुत पहले किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज सिर्फ तू नीचे नहीं गिराती हमारी आन बान शान सब मिट्टी में मिल गई है। तूने पूरे परिवार का सर शर्म से झुका दिया और सबसे ज्यादा मेरा, क्योंकि तुझे जन्म देने वाली मैं हूं। निकल जा यहां से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकल जा। चलो जा। मैं जानती हूं इस मुश्किल का हल नहीं है। मैं ये भी जानती हूं कि मेरा बिल्लू कभी हार नहीं मानता। हालात चाहे कैसे भी हो, हमारे खानदान की इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। जब तक मेरी जान में जान है दादी, मैं आपका मान नहीं गिरने दूंगा। आपके पिल्लू का वादा है आपसे। आबरे साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो आपके घर का नीलामी शुरू होने वाला है, पहले घर को नीलाम हो जाने दीजिए। रोने धोने का कार्यक्रम तो जीवन भर चलता रहे। मेरे सब्र को मत आजमा, ये सब्र का बांध टूट गया ना तो सब कुछ बहा के ले जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। भाई साहब ये तो कमाल हो गया। ओबेरॉय इतने कंगाल हो गए कि अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाए। भाई ये तो वक्त वक्त की बात है, कभी आसमान से ऊपर तो कभी जमीन से भी नीचे। सही बात। ब्रेकवॉक के बाद आप सबके स्वागत है। अब क्या है कि छोट पोट सामान सब निकल गया, भेड़ बकरी निकल गया है, अब बारी है हाथी का। अब भाइयों बोली लगेगा अबरे मेंशन का। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, ओबेरॉय परिवार अभी तक अपनी एक भी चीज नीलामी में बचा नहीं पाया। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ओबेरॉय परिवार अपने घर ओबेरॉय मेंशन को बचा पाएगा। शय और मात के लिए तैयार हो जाओ शिवाय, अब तुम और तुम्हारी बर्बादी के बीच बस चंद ही लम्हों का फासला है। डैम इट, पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। तो न्यूनतम बोली जहां से शुरू की जाएगी वो है 100 करोड़ रुपए। 150 करोड़। 150 करोड़। कौन है इसके ऊपर बोली लगाएगा? 150 करोड़। जी हाँ, 150 करोड़ की बोली लगाई गई है इस ओबेरॉय मेंशन के लिए। अब देखना यह है कि ये बोली कहां तक जाती है। हो क्या रहा है खन्ना, पैसे मेरे बैंक में आए क्यों नहीं है अब तक? सर मैं अभी बैंक से निकला हूँ, उन्होंने कहा था कि वो लोग कर ही रहे हैं। कर रहे हैं। ₹1,000 crores are credited in your account.
पचास करोड़ एक। एक सौ पचास करोड़ दो। शिवाय कहाँ चली गई? मेरा घर। एक सौ पचास करोड़। सात सौ करोड़। पांच सौ करोड़ इस घर के लिए और इस घर से नीलाम हुई हर उस चीज के लिए। ओबेरॉय मैंशन ओबेरॉय परिवार का है और हमेशा रहेगा। बात समझ में आई? 500 करोड़ एक, 500 करोड़ दो, 500 करोड़ तीन। मान गए शिवाय सिंह ओबेरॉय को। अपनी फैमिली और अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये घर तो तैने बचा लिया छोरे, लेकिन अपने परिवार को, अपनी इज्जत को बचा नहीं पाएगा। ये वादा से मारा, अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। समय आ गया है, जाओ। ये तालियां मैं तुम लोगों के लिए खुश होके नहीं, तुम्हारी बेवकूफी पे बजा रही हूं। जब तुम लोगों को पता है कि मैं तुम लोगों को खुश होने दूंगी नहीं, तो इतना खुश हो क्यों रहे हो? क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? पुलिस से भाग के नहीं आई हूं मैं तो, कभी जेल गई नहीं थी। स्वेतलाना अभी तक आपके जेल में ही है या भाग गए? वो यहाँ अकेली बंद है और जब से वो यहाँ बंद है तब से उसे कोई मिलने भी नहीं आया। How's that, शिवाय सिंह ओबेरॉय? हाँ नमस्ते। इस बार मैं तुमसे काफी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ शिवाय। इतनी टाइट सिचुएशन में भी तुमने अपनी फैमिली की इज्जत बचाई। पर तुम यहाँ कैसे? हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि तुम यहाँ लौट कर नहीं आओगे। शिवा, ये क्या बकवास कर रही है? तुम लोगों को पता ही नहीं कि तुम्हारे बड़े भैया घर छोड़ के क्यों गए थे? नो प्रॉब्लम, मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि राम जी ओबेरॉय मैंशन के ऐशो आराम को छोड़कर अपनी सीता के साथ वनवास पे क्यों गए थे। ये फुटेज लीक हो गया तो क्या होगा ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी। ओमकारा और रुद्र के पापा के अगेंस्ट गवाही देंगे
तब घर बटेगा, दिल बटेंगे और भाई भी। तुम लोगों को बचाने के लिए कल्याणी मिलके उस राज को राज रखने के लिए जो अगर बाहर आ गया तो पूरा ओबेरॉय खानदान बर्बाद हो जाएगा। कहीं आप 25 साल पुराने कल्याणी मिल फायर इंसिडेंट के बारे में बात तो नहीं कर रही हैं? वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल था। ऐसा कौन सा राज है जो आप जानती है लेकिन हम नहीं? उस राज को मैं और शिवाय जानता है, या फिर वो लोग जो इस राज से जुड़े हुए हैं। और वो राज इस टेप में है। आज कल्याणी मिल का वो राज और ओबेरॉय खानदान का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। इसका मतलब कल्याणी मील में आग खुद ओबेरॉय ने लगाई थी। सैकड़ों लोगों की जाने गई, क्या उसके पीछे ओबेरॉय फैमिली जिम्मेदार है? और जो ओबेरॉय फैमिली के नाम पर तरह तरह के एनजीओज, धर्म कर्म, चैरिटी हाउसेज चल रहे हैं, क्या वो सब दिखावा है? इसका मतलब ये अफवाह नहीं सच है कि ओबेरॉय ने अपना इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए अपनी ही फैक्ट्री में खुद आग लगाई थी। 100 सोनार की 1 लोहार की कहावत तो सुनी होगी तुमने, आज देख भी लो। कोशिश तो तुमने बहुत की शिवाय अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए। अब पूरी दुनिया और मीडिया को जवाब तुम दोगे शिवाय सिंह ओबेरॉय। ऑल द बेस्ट। रुको, जवाब मैं दूंगा लेकिन तुम्हें। खेल खत्म हो चुका है शिवाय। The game is over. The game is not over till शिवाय सिंह ओबेरॉय says it's over. तमाशा तुमने शुरू किया, लेकिन खत्म मैं करूंगा, वो भी हमेशा के लिए। मिस्टर ओबेरॉय, इस वीडियो से साबित होता है कल्याणी मील में जो आग लगी थी वो तेज सिंह ओबेरॉय ने लगाई थी, क्या इस बात को आप मानते हैं? मैं सिर्फ पूरे सच को मानता हूँ, आधे सच को नहीं। बतलाना ने जो आपको दिखाया है वो सिर्फ आधा सच है। फिर पूरा सच क्या है मिस्टर ओबेरॉय? उसे मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको अपने हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरे बड़े पापा मिस्टर तेज सिंह ओबेरॉय ने माचिस जलाई जरूर थी, लेकिन आग लगाने के लिए नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आप सबको पता चल ही गया होगा कि आग किसी ओबेरॉय ने नहीं लगाई, बल्कि वो एक हादसा था। आग एक ब्लास्ट की वजह से लगी थी, इसलिए कहते हैं आधे सच के दम पर पूरा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मूखी खानी पड़ती है।
जिस टेप के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था, वो शिवाय के हाथ कहाँ से लग गई? इस टेप ने तो पूरी बिसाती पलट दी। थैंक गॉड सैतलाना दी की नजर इस टेप पर नहीं पड़ी। अब ये टेप शिवाय के पास जाएगा ताकि तेज अंकिल इनोसेंट प्रूव हो जाए और कल्याणी मिल की रास का टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि कल्याणी मिल की रास से वो रास जुड़ा है जो अगर सामने आ गया तो शिवाय और अनिका को हमेशा के लिए अलग कर देगा। शिवाय और अनिका को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि कल्याणी मिल की आग से सिर्फ ओबेरॉय फैमिली ही नहीं, अनिका की फैमिली भी जुड़ी हुई है। ये ताली मैं हमारी जीत पे नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पे बजा रहा हूं। जब तुम्हें पता है कि तुम हमसे जीत नहीं सकती तो बार बार कोशिश भी क्यों करती हो? हमें तो जीतने की आदत है और तुम्हें हारने की जिद। तुम ना बहुत ही ढीठ चिड़ैया हो। इतनी बार मुंगी खाई, इतनी बार अपनी नाक कटवाई, फिर भी अक्कल नहीं आई। अरे वाह, ये तो शेर बन गया। अरे जिसको बाल्टी भर बेइज्जती खाने की आदत हो उसका चुल्लू भर बेइज्जती से क्या होगा? वैसे स्वेतलाना तुम बहुत गिरी हुई हो और बहुत ही वेली हुई हो। जब भी देखूं मुंह उठा के चली आती हो। कोई काम नहीं है क्या? सुनो, नहीं है तो सीख लो। बार बार आकर अपनी बेइज्जती करवाना भी एक काम ही तो है, और लगता है तुम्हें इस काम में बहुत मजा आता है ना? तो सही है, लगी रहो, करवाती रहो अपनी बेइज्जती। ओ भाई, शर्म वरम आती है तुम्हें? हाँ, अभी तो यही हो तुम। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अभी तक चुल्लू भर पन में डूब मरता। वैसे स्वेतलाना, तुमने अपनी ये तुच्छी पतंग ना उड़ाई तो बड़ी ऊंची थी, पर क्या करें, कट गई। अब तुम भी कट लो। ये ऐसे नहीं जाएगी। सब ठीक हो गया। अगर मेरा शिवाय वापस नहीं आता तो पता नहीं हम सबका क्या होता आज। तूने ये सब मिस्टर ओबेरॉय के लिए किया जिसने तेरे साथ इतना बदतर सलूक किया है। तू नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। चलो इसी बात पे एक ओबेरॉय करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।